आज हमारे साथ में संदीप जी चौहान, और ये आपको बताएंगे कि तो संदीप जी कैसे हैं आप। नमस्कार सर, नमस्ते। आपको देख लिया और अच्छा हो गया हूँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपके साथ मैंने ही संदीप जी को अभी कुछ समय पहले बोला, महीने भर पहले बोला था, लेकिन आज योग बने हैं कि हमको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनसे मैं जुड़ा था, साल भर हो गया होगा सर, है ना, सर 2022 की बात है 2022 की बात है। तो जी। 2022 में मैं इनसे जुड़ा था, और मैं आपको बता दूं कि जिस स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना, तो वो मैंने इनसे ही बाय किया था, और इसके पीछे की भी स्टोरी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो उस समय मैंने इनका नंबर सेव किया, ठीक है। अब नंबर सेव किया तो जैसा वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको आपके जैसे लोगों से मिला देता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसा आप सोचते हैं कि दुनिया कैसी है, तो वैसे ही लोग आपसे मिलते जाएंगे। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी लोग आपसे मिलेंगे, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से मिले, तो वो आपके जैसे ही होंगे, आपके जैसे सोच रखने वाले होंगे। तो मैंने 100%। संदीप जी का नंबर सेव किया, और सेव करने के बाद में अब जैसे जनरली स्टेटस वगैरह आते रहते थे, तो मैं वॉच करता रहता था। तो मैंने 1 महीना 2 महीना, और जब से मैं आपसे मिला हूँ, ठीक है, मतलब जब से हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है, 2022 की बात है, आज 2 साल हो गए हैं, और मैं आप में काफी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूं। आपके जन्मदिन से ठीक थोड़ा पहले हाँ, 12 अगस्त से पहले, है ना। हाँ, जी। बराबर। तो मैं आपके लाइफ में जो आपका ग्राफ है, जिस तरीके से आपने प्रोग्रेस की है, वो मैं रेगुलरली देख रहा हूँ, और उसके पीछे जो मुझे कुछ चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इतनी बात तो हमारी पहले भी नहीं हुई जो आज होगी, वो ये रहा कि कहीं ना कहीं आप तो स्पिरिचुअल चीजों में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, 100%। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि हम हमारे जीवन में जैसा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपके स्टेटस जो होते हैं, जैसे मैं स्टेटस डालता हूँ, तो उससे मेरा स्टेटस पता चलता है, मेरी सोच पता चलती है कि ये व्यक्ति क्या सोचता है। तो मैं आपको काफी समय से वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था, और जब भी मैं आप लोगों को बताऊं कि संदीप जी से जब भी बात होती थी, मैं सर एक सेकेंड, है ना, मैं ये वाली बात बताना जरूरी है, जब भी बात होती थी तो एक ही बात होती, सर आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। अरे संदीप जी, मेरा माइक खराब हो गया। अरे यार, मैं बैठा हूँ, सब हो जाएगा। और मेरा जो माइक था वो खराब हो गया था, और उन्होंने अगले 5-7 दिन में मुझे वापस भी भेज दिया, और वो माइक भी आपका यहीं रखा हुआ है शायद। आप, मैं भी आपसे उस बारे में बात करना भूल सर, अगर गया। माइक चेंज नहीं करते तो आपकी आवाज कैसे सुनने को मिलती है हमें? तो आपका बहुत सपोर्ट मिला, मतलब, और मैं आपका धन्यवाद भी यहाँ पे करना चाहता हूँ सभी के सामने, कि आपसे बहुत सपोर्ट मिला है, और सबसे ज्यादा जो चीज मिली है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, ठीक है। सर आपने स्टेटस की एक बात कही, कहीं मैं भी ना भूल जाऊं। सर मैं दिन की शुरुआत करता हूं आपके स्टेटस देख के, और अगर अच्छा, नहीं देख पाऊं तो ऐसा लगता है ना जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं मिला या ऐसा कुछ, थैंक यू एनर्जी नहीं मिल पाई है। जी। तो वो आपके स्टेटस मतलब देख लिया तो दिन बन गया अच्छा, थैंक यू। सर। तो वैसा ही होता है जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, तो वो मैं पिछले साल 2 साल से देख रहा हूँ, और फिर मैंने महीने भर पहले विचार किया कि आपसे बात की जाए, और ये बात लोगों तक भी शेयर की जाए कि पॉजिटिविटी का कितना फर्क पड़ता है। जैसा आप सोचते हैं तो वैसे ही आप स्टेटस लगाएंगे। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं आजकल के, वो गम वाले लगाते हैं, दुखी वाले, तो जब हम एक एक छोटी छोटी चीज का हमारे लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल तो सर, संदीप जी, आप ये बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना मानते हैं, और स्पिरिचुअल चीजें जो है, जो भगवान से रिलेटेड है, तो उनमें आपका क्या विश्वास है, आपकी अब थोड़ी सी इस बारे में आप बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक बराबर। है, और हम किसी के नहीं है, हम केवल प्रभु के हैं और प्रभु केवल हमारे हैं। बराबर। इस चीज को रखेंगे तो ना सुख से हम सुखी होंगे ना दुख से दुखी होंगे, हमें हमेशा सम रहना चाहिए। रहना चाहिए जी। और जब हम सम रहेंगे ना तो सर कोई चीज हमें भटकाएगी नहीं। बराबर। और सर कहते हैं जैसी आप वाइब्रेशन पर होते हैं वैसे ही लोग आपको मिलते चले जाते हैं। है ना, जैसे आप मुझसे मिले। सर हम नहीं, आपसे मिले, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे टीचर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अच्छा, मैं जब स्टार्टिंग में मुझे पढ़ाना था, तो मैं स्मार्ट बोर्ड के लिए सर्च कर रहा था। मैं आपको ये बात बताऊं जी तो मैंने बहुत सर्च किया, और फिर अब ऐसा भी होता है कि हमको इतना बड़ा अमाउंट, है ना, उस समय 2 लाख 3 लाख रुपए पहले पे करना है, उसके बाद में 10-15 दिन बाद ये चीज आएगी। तो मुझे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार कहीं
कहीं कुछ फ्रॉड नहीं हो जाए, है ना, क्योंकि एक कहीं नहीं छा था। हालांकि मैं इतना ज्यादा उस चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा हम लोगों को दे रहे हैं तो वैसा हमको मिलेगा। पर फिर भी संदीप जी से मेरी बात हुई तो जिस तरीके से इन्होंने बात करी, एक बात करने का भी होता है, आप किसी भी व्यापार में है, व्यवसाय में है, तो उसमें एक तरीका होता है जिससे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें थी आपकी जिससे मैं प्रभावित हुआ, और उसी समय मैंने शायद पेमेंट कर दिया था, और कुछ समय बाद मेरा प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गया। और जो कि मैंने आपको बीच में बताई, कई सारी जो समस्याएं थी आपने फटाफट उनको सॉल्व भी कर दिया, तो आज कहीं ना कहीं मुझे भी एक बहाना मिल गया है आपका थैंक यू करने का, कि काफी सपोर्ट मिला है। और सच बताऊं तो आज जो इतने लोग मुझे देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर बिल्कुल, मैं अभी कुछ आपसे यही सवाल करने जा रहा था कि केवल हमने आपसे कॉल पर बात करी थी और कभी मिले नहीं थे, तो हाँ ऐसा क्या था सर कि आपने सीधा 10,000 रुपये टोकन दे दिए? लोग 100 रुपये डालने में डरते हैं और फिर हाँ आपने इतना बड़ा अमाउंट हमें पे कर दिया, तो कहीं तो सर रिस्क लगा होगा आपको, घर वालों ने नहीं, तो मैं कहा होगा। एक्चुअली बातों कहीं ना कहीं इतने समय से जब मैं इन चीजों में हूं तो व्यक्ति के बात करने के अंदाज से पता चल जाता है ना। जी सर, जी सर, और अभी तो मैं मतलब ये धीरे धीरे हो जाता है, जब आप स्पिरिचुअल चीजों में होते हैं ना तो कहीं ना कहीं सामने वाले की, तो आपके जो बात करने का तरीका था उसी से मैंने कहा चलो ठीक है, सही बंदा है ना। और मैंने उसके अलावा बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करी, और फिर आपसे कांटेक्ट में है लगातार, और आपसे एक कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है, वो होता ना वाइब्रेशन वाला है ना, सर, बिल्कुल 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 वैसा है। तो आप थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप विश्वास करते हैं? सर, 100%। पहले थोड़ा कम करता था, लेकिन जब से आपके वीडियोस देखने शुरू करे मेरे को लगा यार इतना भी होता है, ये इस कदर होता है, मतलब मैं शॉक हो गया जिस तरीके से आप बताते थे। तो अब मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ इसमें, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और आपके लाइफ में चेंजेस भी हुए हैं, क्योंकि ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खुद देख ही रहा हूँ, क्योंकि पहले में और अब में काफी चेंजेस आया है, वो पता चल जाता है ना। जैसे मैं भी किसी काम को कर रहा हूँ तो सबसे पहले उसको, भाई आज ये क्लास चालू हो रही है, अभी ये कर रहे हैं, और ये वीडियो वायरल हुआ, तो वैसा मैं आपका भी देखता रहता हूँ। अच्छा, एक और चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम स्पिरिचुअल चीजें ऐड करते हैं, है ना, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण में बहुत मानते हैं, है ना, बिल्कुल मैंने सर, बिल्कुल देखा भी बिल्कुल है, तो इस बिल्कुल चीज सर, का भी आपके जीवन में बहुत इफेक्ट है। जैसा कि आपने कहा कि मैं शून्य स्तर पे हूँ, है ना, लाभ से मैं इतना प्रभावित नहीं होता और हानि से भी इतना प्रभावित नहीं होता। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ में हमेशा एक्सपेक्टेशन जो रखें वो केवल भगवान से रखें, कि जो है सब उनका है, और जो वो दे उसमें खुशी, तो आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। क्या कहते हैं संदीप बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से आप जुड़े हैं हमारे साथ, भैया? मैं तब से ही चाह रहा था कि कोई ऐसा मतलब हमारी अच्छी लंबी बात हो, लेकिन आप कहते थे कि बाद में मेरे करेंगे बात। मैंने कोई बात नहीं सर, बिजी रहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं सर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरा वीडियो मेरे साथ मतलब कभी जुड़े नहीं, कभी ऐसी लंबी बात नहीं हुई, तो इसमें मेरा ही नुकसान है। क्या पता आप कहाँ पर बिजी हैं, किस काम में व्यस्त हैं। तो जब हम सुख से ज्यादा सुखी ना होने की सोचे, मतलब किसी से हम कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो बढ़िया रहेंगे सर, बिल्कुल उम्मीद वो ना रखें मैं कभी। समझ रहा हूँ, क्योंकि काफी समय पहले बात हुई थी हमारी इस विषय में, पर जी मैं जी आपको बताऊँ ना, योग नहीं बन पाते थे कभी। सर, आपने देखा मैं बीच में घूमने चला गया, 5-10 दिन उधर हो गए। और इस तरीके से एक और चीज है कि जब किसी चीज का समय आता है वो तभी होती है। बिल्कुल सर, राइट ऑन टाइम होती है फिर वो। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से और भी जो मुझे लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फर्क पड़ा, स्पिरिचुअल चीजों से फर्क पड़ा, आपके सामने जरूर हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे। और संदीप जी जो हैं, ये संदीप जी आप क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा आप बता दीजिए, ताकि किसी को हम में से कोई ऐसा हो जिसको ये चीज जरूरत लगे तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। सर जैसे कि आप भी अच्छा पढ़ाते थे पहले, मतलब आपका एक ऑनलाइन अच्छा प्रेजेंस था, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते थे जैसे सबको पता है। हाँ, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। हाँ सर, तो सर आपको कब लगा कि मुझे भी ऑनलाइन आकर पढ़ाना चाहिए अपने स्टूडियो के साथ? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि समय बदल रहा है। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक लड़का मेरी क्लास में, मतलब मैं जब पढ़ा रहा था, 2014 की बात है ये, तो उस समय एक लड़का दूसरे पास में, मतलब रूम था वहां जाके बैठा, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि क्यों भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला सर मैं क्लास देख रहा हूँ। क्लास देख रहे हो कहाँ? क्लास तो उधर चल रही है। बोले नहीं सर, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। मैंने कहा यार मोबाइल में आदमी, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर ला, मैंने देखी क्लास, कोई टीचर पढ़ा रहा है। उस समय तो हालांकि बिल्कुल इतने साधन नहीं थे, है
है ना, लेकिन जी फिर जी भी जी वो व्यक्ति किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ा रहा था। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार आज ये एक लड़का उठ के इधर आया है तो कल से धीरे धीरे दो आएंगे, चार आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी इधर जाना चाहिए, और तब जाके मैंने सर्च शुरू किया। और उस समय तो हालांकि स्मार्ट बोर्ड का इतना ज्यादा वो था नहीं, तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। पर एक समय मुझे लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जमाने के हिसाब से आजकल लोगों को बहुत फास्ट चाहिए होता है। सर बिल्कुल तब जाके फिर मैंने आपको सर्च किया और फिर जाके कॉन्टेक्ट किया। सर, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आपने स्टूडियो बनाया सर, ये क्या बड़ा ब्रांड बनने की सोच थी आपकी, या ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की इच्छा थी, या लिमिटलेस पढ़ाना था आपको, अपनी रीच बढ़ानी थी आपको? देखिए रेवेन्यू का के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि मैं पैसे, मैंने शुरुआती दौर में जब मैंने करियर शुरू किया था ना, तो एक जगह 6 महीने फ्री पढ़ाया था मैंने, पैसे नहीं लिए थे। जैसे जनरली लोग जाते हैं ना, तो पहले बार में ये पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी दोगे, मैं नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मैं कौन हूँ, राइट ठीक सर, है। तो रेवेन्यू के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने बस ये सोचा कि मुझे इस चीज को लोगों तक, और वो मुझे ये भी पता है कि रेवेन्यू जरूर आएगा, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो पैसा तो उसके पीछे पीछे आना ही है। और कहीं ना कहीं आप रीच बढ़ाना चाहते थे। राइट बिल्कुल रीच बढ़ाना चाहते थे, और वो बड़ी बिल्कुल सर, उसमें आपका काफी सहयोग रहा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक शुरुआत से देख रहा हूं सर चैनल आपका। तो सर, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं अपने वाक्य बताना चाहता हूं, यू। और शायद आपकी ऑडियंस में किसी को वो दर्द हो जी तो उसे उसको उसका फायदा मिले। जी बिल्कुल। सर, दांत का दर्द एक ऐसा दर्द होता है कि जिसको उठ जाए वो वही जानता है उसका दर्द कैसा होता है। मतलब रात में उठ जाए तो सो नहीं सकता बंदा, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे ही मेरे दांत में दर्द उठा था, इतना दर्द था सर कि अगर आप पानी पियो तो पानी भी मुंह में लगे आपको, मतलब बर्दाश्त ना हो। तो मैं उसके समाधान के लिए, जैसे चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, मैं चला गया, मैंने कहा ऐसे छोटा मोटा कोई दर्द होगा। मैंने उनसे दवाई ली, उन्होंने मेरे को दवाई दी कि जाओ इसको खाना, आपको आराम लग जाएगा। मैं घर गया, वैसे ही टाइम टेबल से मैंने दवाई ली, दवाई खाऊं तो दर्द ठीक हो जाए, दवाई छोड़ते फिर दर्द हो जाए। प्लेसिबो जी इफेक्ट। जी जी तो फिर मैं उनके पास गया, सर ये दवाई तो मतलब जब खाता हूँ तो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर वैसे ही दर्द होता है। वो बोला ये 3 दिन की दवाई और लो आप, आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा आपकी बार, नहीं तो फिर मेरे को बताना। 3 दिन के बाद मैं फिर गया, मैंने कहा सर कंडीशन सेम की सेम वही है। अब वो बोलता है आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए और वही इसका समाधान करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, चलते हैं उनके पास भी। मैं बड़े डॉक्टर के पास गया सर, और पूरा उनका फीस वगैरह करके उन्होंने मेरे को बोला आप इसका एक्सरे कराइए। अब मैंने सर एक्सरे कराया, उसके बाद वो बोलते हैं आपका ये दांत खराब हो चुका है, अच्छा। इसकी नस निकालनी पड़ेगी, और कैप वगैरह जो बोलते हैं उनका कुछ होता है सर, ये नस निकाल के एक कैप लगेगी, और एक बड़ा अमाउंट मेरे को बता दिया। मैं शॉक हो गया कि मेरे दांत इतने मजबूत थे और ये अब पूरा इसका ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा सर बताता हूँ आपके मिलके। मैं घर गया, मैंने शांति से बैठ गया, मैं अपने आप से मैंने बातें करी, या तुझे ऑपरेशन कराना चाहिए। तो सर मेरे अंदर से ही आवाज आई फिर कि ऑपरेशन की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। मैं सुबह शाम अपने आप से यही बात करता रहा सर। और जब कहते हैं ना सर, किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलाने के लिए। तो बिल्कुल। मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था, मेरे सामने एक देसी नुस्खा आ गया कि अगर आपके दांत में कोई भी तकलीफ है, कैसा भी दर्द है, कोई भी समस्या है, ये नुस्खा आप कर लो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सर वो मैंने नुस्खा नुस्खा अपनाया, और आज सर 4 साल हो गए, मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है दांत की, दांत फर्स्ट क्लास वो है, अवचेतन मजबूत। मन की शक्ति। यस सर, तो क्या आप जानना चाहेंगे नुस्खा? बता दीजिए, हमारे लोग जिसके दांत में दर्द होगा उनको पता चल जाएगा। इसी के भी दांत में कैसा भी दर्द हो सर, एक फिटकरी आती है जो शेविंग में यूज होती है, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक पार्ट उसको ग्लास में डालना और थोड़ा सा उसमें पानी भरना, जितना कि एक हम सिप पीते हैं, उसको 30 सेकंड तक हिलाना है आपको। 30 सेकंड तक हिलाने के बाद उसको मुंह में डाल लेना है, और फिर उसको इस तरीके से करना है जैसे माउथ वॉश करते हैं, और वो भी 30 सेकंड तक करना है।
ज्यादा दर्द हो दिन में 2 बार करना है और आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ही आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। अच्छा, मजा आ जाएगा आपको। मैं भी करके देखता हूँ। सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जो मैं बहुत अब बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ सर जब से आपकी वीडियो देखता। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो संदीप जी जो है ये इनका काम है, आप थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। सर से जैसे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ इस समय, सर अपनी जगह पर बैठे हैं मध्य प्रदेश में, मैं नोएडा में बैठा हूँ। सर की मुझे क्लास अटेंड करनी है तो मैं यहीं से अटेंड कर सकता हूँ। मेरे साथ 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग अटेंड कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन क्लास स्टूडियो बनाकर देते हैं जो सर का हमने बना के दिया है। बहुत अच्छा। इसमें आपका पैनल होता है, जैसे मेरे पीछे पैनल लगा है राइटिंग करने के लिए, इसको स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल भी बोलते हैं। स्मार्ट बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको आपके काम को स्मार्टली डन कर देता है। सपोज आपको बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट डे के ऊपर झंडा बनाना हो तो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लगेंगे सर। हाँ, बराबर। लेकिन यहाँ केवल कॉपी और पेस्ट कर देंगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर वो काम हो जाएगा। सामने कैमरा लगा जिससे आप मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी से आप लाइव भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने लेक्चर बना सकते हैं, एक वीडियो लाइब्रेरी जनरेट कर सकते हैं। मतलब पूरा ऑनलाइन स्टूडियो का काम रहता है। मैंने भी इनसे ही करवाया था और बहुत बढ़िया मुझे सपोर्ट भी हमेशा मिलता रहा। तो आपको भी, जैसे आप कोई ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, आप में से कई सारे जैसे सब प्रकार के लोग हैं तो जो पढ़ाते हैं, जो ये सर्च कर रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड कहाँ से लें, स्टूडियो कैसा बनाएं, तो आप संदीप सर से बिल्कुल